डिजिटल दुनिया के सरताज बनने के लिए बड़ा दाव खेलने जा रहे हैं। बहुत जल्द अडानी अपना सुपर ऐप लाने की योजना भी बना रहे हैं। इस और कदम बढ़ाते हुए अडानी ग्रुप ने ऑनलाइन ट्रैवल और होटल बुकिंग फर्म क्लियर ट्रिप प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदी है। शुक्रवार को एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने ये जानकारी दी है। इस डील के नवम्बर तक क्लोज होने की उम्मीद है। आधिकारिक तौर पर हिस्सेदारी के प्रतिशत की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अडानी ग्रुप ने क्लियर ट्रिप में 20% हिस्सेदारी हासिल की है। क्लियर ट्रिप में अडानी की हिस्सेदारी उनके सुपर ऐप के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगी। इस पर वे अपनी ग्रुप कंपनियों के साथ दूसरी कंपनियों की सेवाएं और प्रोडक्ट भी ऑफर करेंगे। मतलब साफ है कि इस सेक्टर में पहले से मौजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियोमार्ट, टाटा और ITC से वे अपना सीधा मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें, इस साल अप्रैल में फ्लिपकार्ट ने क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण किया था। इस अधिग्रहण के बाद क्लियर ट्रिप की फ्लाइट बुकिंग में 10 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली थी। कंपनी ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर यानी OTA स्पेस में अपनी मजबूत पैठ बनाने में सफल रही है, जिसका फायदा अडानी ग्रुप को भी मिलेगा। लेकिन इस सेक्टर में पहले से ही जियोमार्ट जैसे धुरंधरों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी है। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनियों में से एक ITC भी अपना सुपर ऐप ITC मार्स जल्द लॉन्च करेगी। वहीं दूसरी ओर टाटा ग्रुप अपना सुपर ऐप लाने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। इसके लिए टाटा डिजिटल नाम से कंपनी भी बनाई गई है, जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस को साथ में लाएगी। इन सब के अलावा भी कई नामचीन इस सेक्टर में कूदने की तैयारी या तो कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। अगर एक एक करके सब पर नजर डालें तो मार्सा किसानों का रेवेन्यू बढ़ाने के साथ साथ ITC के वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स को ड्राइव करेगा। टाटा ग्रुप अपने सुपर ऐप पर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेकर आएगा। जियो का प्लान अपने प्लेटफॉर्म पर 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देना है। वहीं देश में सबसे बड़े IPO की तैयारी कर रहे पेटीएम का प्लेटफॉर्म पेमेंट से शुरू होकर अब ये भी सुपर ऐप बन चुका है। इसके अलावा देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने 2017 में डिजिटल ऐप योनो को लॉन्च किया था। इसे भी अब वे सुपर ऐप बनाने का लक्ष्य रख कर आगे काम कर रहे हैं। यानी घर की ग्रोसरी खरीदने से लेकर किसी कंपनी का IPO खरीदने तक और देश और विदेश में घूमने के लिए फ्लाइट की बुकिंग कराने तक।